आप तस्वीर देख रहे हैं सिर्फ जनता आवास भारत पर ब्रिज का जो है नए ब्रिज का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ के आसपास का ब्रिज बनेगा। दमन से सिलवासा की ओर जाने वाला ब्रिज बनेगा। वापिस चार रास्ता की ओर जाने के लिए दमन से चला से लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था उसके चलते गुजरात सरकार ने और यहाँ के मंत्री श्री फाइनेंस नाणा मंत्री जो है कनुभाई देसाई ने जो है उनके कार्यकाल में 140 करोड़ रुपया पास करके इस ब्रिज का काम आरंभ कराया है। और आप तस्वीर देख रहे हैं कि चार रास्ता के करीब का जितना इस साइड का जितना भी रेलवे जो फाटक है वहाँ से तो जो सर्किट हाउस तक का जो ब्रिज था वो पूरा जो है उसका तोड़ने का काम ज़्यादातर ख़त्म हो गया है। 5 से 10% जितना काम बाकी है सिर्फ, ये आप तस्वीर देख रहे हैं सिर्फ जनता आवास भारत पर, कि इस साइड का जितना भी ब्रिज जो खड़ा था पुराने वाला उसको तोड़ने का काम ज़्यादातर ख़त्म हो गया है और नए ब्रिज के पिलर के लिए भी इस साइड में काम आरंभ कर दिया है। ये बात कहना तय है कि ये 1.5 साल के अंदर ये जो ब्रिज बनने वाला है वो तय सीमा में ही हो जाएगा, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि जल्द से जल्द फटाफट काम हो रहा है यहाँ इस ब्रिज का निर्माण करने के लिए। और आप तस्वीर देख रहे हैं सिर्फ जनता आवास भारत पर, इतना सा ही जो भाग है वो रह गया है तोड़ने के लिए, बाकी के सब पिलर इस साइड के तोड़े गए हैं और जल्द से जल्द काम आरंभ हो उसके लिए यहाँ पर नए ब्रिज के पिलर के लिए भी काम आरंभ कर दिया गया है। 140 करोड़ के आसपास का ये ब्रिज बनेगा और लोगों को जो है ट्रैफिक की समस्या का हल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।